तो मनोहर सरकार बेशक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के आयोजन के लिए अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन जिस तरह से आरटीआई के जरिए दुष्यंत चौटाला ने ये खुलासा किया है और आरोप घोटाले का सरकार पर लगाया, उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार की मंशा, सरकार के इस आयोजन पर सवाल खड़े हो जाते हैं। और इसी पर हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता जवाहर यादव और इनेलो नेता रविंद्र ढोल। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का सर। तो हमारे साथ जवाहर यादव और इनेलो नेता रविंद्र ढोल हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। जवाहर यादव जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी। जिस तरह से यहां पर आरटीआई के जरिए दुष्यंत चौटाला की तरफ से आरोप घोटाले के लगाए हैं, आप इस ट्वीट को किस तरह से देखते हैं? पहले दुष्यंत चौटाला जी ये बताए तो सही कि घोटाला है क्या, तब मैं उसका उत्तर दे पाऊंगा। पहले मुझे पता हो कि उन्होंने घोटाले के क्या आरोप लगाए, और जिसमें कहीं घोटाला सिद्ध होता है मैं उत्तर दे पाऊंगा। बिल्कुल जवाहर यादव जी, यहाँ पर साफ तौर पर दुष्यंत चौटाला की तरफ से ट्वीट के जरिए ये कहा गया है, उनकी तरफ से आरटीआई लगाई थी, उसमें खुलासा हुआ है कि जिस तरह से गीता की पुस्तकें जिस तरह से खरीदी गई हैं उस पर एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा किया गया है, और उनकी तरफ से कहा गया है जिस आयोजन में जो जो यहाँ पर खर्चा हुआ है, चाहे वो होटल के कमरे हों या सीसीटीवी कैमरे हों या फिर आयोजन में जो परफॉर्मेंस हो, इन तमाम चीज़ों पर सवाल उनकी तरफ से खड़ा किया गया। जवाहर यादव जी, मैं फिर पूछ रहा हूँ कि घोटाला क्या हुआ, वो घोटाला जानना चाहता हूँ। ये जो चीज़ बता रहे हैं ये तो पब्लिक डोमेन की चीज़ें, हमने ही डाली हुई है, कोई भी ले सकता है, परंतु वो जो कहते हैं कि घोटाला हुआ, वो घोटाला क्या हुआ जिसका मैं उत्तर दे सकूँ? उनका कहना है सर, मैं आपको बता दूं, उनका ये कहना है कि जो 3,79,500 पुस्तकें खरीदी गई हैं, ये काफ़ी बड़ी तादाद में खरीद गई हैं, और 10 पुस्तकों को इस इतनी बड़ी रकम में खरीदा गया है, आखिर क्यों, इस पर सवाल खड़ा किया जा रहा है उनकी तरफ। हाँ, उनका कहना यह है कि जो 10 पुस्तकें खरीदी, ये लगभग 4,50,000 की खरीदी गई, ये क्यों खरीदी गई जी? तो मेरा दुष्यंत जी को एक आग्रह है, पहले उस पुस्तक को जाकर देख ले जी। और अभी वो दिल्ली में है, सांसद होने के नाते दिल्ली आते जाते भी रहते हैं जी। अभी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला लगा हुआ है और एक पुस्तक की कीमत वहाँ 1,50,000 रुपये तक है। अच्छा रहता कि जल्दबाजी ना करके पहले उस पुस्तक को देख लेते, गीता को, उसमें क्या क्या है और किसके कारण उसकी कीमत 37,500 रुपये के आसपास है। या घोटाला तब होता कि जो पुस्तक हमने दी कि इसकी कीमत सरकार ने 37,500 रुपये बताई है, यही क्वालिटी की पुस्तक, यही पुस्तक मार्केट में मैं कम रेट पे आया हूँ, तब तो घोटाला है। परंतु अगर किसी पुस्तक की MRP या उसका जो रेट है खरीदी गई है वो 37,500 में खरीदी गई है, उसमें क्या क्वालिटी लगी है वो आगे डिबेट में मैं बताऊंगा जब और पर्सन आएंगे कि उसका 37,500 रुपये मूल्य क्यों है। परंतु 37,500 में घोटाला हुआ वो तब सिद्ध होता है जब वो कहते, देखिए यही पुस्तक मैं तो मार्केट से 20,000 रुपये में लेके आ गया और सरकार ने ये 37,500 में खरीदी है, तो ये 17,500 रुपये में फालतू क्यों खरीदी, तब मैं मानता हूँ कि कहीं घोटाला हुआ है। तो घोटाला सिद्ध करे पहले, घोटाला है क्या? बिल्कुल रविंद्र ढोल जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आरोप यहाँ पर आपकी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं आपको, दुष्यंत जी ने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। यदि हम बात करते हैं गीता की, तो गीता की पुस्तकें जो है 5 रुपये से लेकर के और 100, 200, 1,000, 2,000 किसी भी रेंज में हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। आज के दिन में हम चंडीगढ़ में भी हमें मिल जाती है 2 से 2,500 रुपये तक की भी मिल जाती है, लेकिन इतना एग्जैगरेटेड प्राइस पे 37,500 रुपये की यदि आपने पुस्तक खरीदी भी है तो उसका भी जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। खैर मैं आपको ये बता देता हूँ कि इनके पब्लिशर जो है ना, जो मीडिया के माध्यम से जो हमें पता लगा था, वो RTI की पूरी जानकारी हमारे पास में नहीं आई है। ये पब्लिशर जो है जियो गीता संस्थान जो है, उस जियो गीता संस्थान जो है वो इसका पब्लिशर है जो गीता इन्होंने खरीदी थी, और बहुत सारे जो गीता इन्होंने खरीदी थी वो इन्होंने मुफ्त में जो है वहाँ पर आए हुए थे, जो लोग विजिटर्स थे उनको इन्होंने बांटी भी थी। मैं आपको बता दूँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, वर्तमान कुरुक्षेत्र की जो DC है सुमेधा कटारिया जी, जियो गीता जो संस्थान है उस संस्थान की फाउंडर मेंबर है और पैट्रन है। तो ऐसे में किसी आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मैं आपको बता देता हूँ, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की मेंबर होने के नाते
और जितनी भी ये जो टेंडर दिए गए थे, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे उनके द्वारा ही दिए गए थे, उनका इसमें हाथ था। वन ऑफ दी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी रहते हैं, एडीसी तो कुरुक्षेत्रा का जो है, लेकिन इन्होंने डीसी कुरुक्षेत्रा होते हुए मेंबर रहते हुए मीटिंग्स के अंदर जो टेंडर्स यहाँ पे अलॉट हुए वो टेंडर इन्होंने अपने खुद को ट्रस्ट को दिए। घोटाला यहाँ है, वन टू घोटाला अभी आपको स्पष्ट नहीं किया है, स्पष्ट मैं आपको और बता देता हूँ। गीता संस्थान की जिसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय गए थे, जहाँ पर सरकार लेकर के गई थी, उस गीता संस्थान में सबसे बड़ा घोटाला उस गीता संस्थान में है, जहाँ पर 100 साल के लिए लीज पे 5 लाख में जमीन दी गई। हमारे पास में आरटीआई में डॉक्यूमेंट है कि मार्केट वैल्यू 75 लाख से 1.5 करोड़ रुपए के बीच में, जो कि उन्होंने 5 लाख में दी। इस्कॉन को ये 40 लाख में देते हैं। और बड़ी गजब की चीज मैं आपको मैं बता देता हूँ, ये जियो गीता संस्थान भी यही इसको बना रहा है। कुरुक्षेत्र की वर्तमान डीसी सुमेधा कटारिया, जिस संस्थान की फाउंडर मेंबर है, कुरुक्षेत्र की एडीसी सुमेधा कटारिया सीईओ होते हुए उस संस्थान को जमीन दिलवाते हैं। घोटाला यहाँ पर है और इसकी सैंक्शन केंद्र से, जो सेंटर से आती है, कैबिनेट से आती है, वो भी एक्स ऑफिशियो सैंक्शन आती है। मैडम आपको एक और बता दूं, कैबिनेट की एक्स ऑफिशियो सैंक्शन नहीं हो सकती, फाइनेंस डिपार्टमेंट के भी रूल है, कैबिनेट की सैंक्शन के बिना आप जमीन भी अलॉट नहीं कर सकते थे। तो एक घोटाला भी खुलना शुरू हुआ है। इतनी जल्दी आपके प्रश्न उठाना जो है, हम तो अभी प्रश्न शुरू किए हैं, अभी तो आने वाले समय में कितने प्रश्न आएंगे अभी आप देखते जाइए। बिल्कुल, क्या कहेंगे जवाहर यादव जी? हाँ देखिए, आज जो दुष्यंत चौटाला जी ने जो ट्वीट किया था वो 10 गीता को लेकर किया था, वहां पर हम ठहर नहीं रहे हैं, वहां हमारे पास तथ्य नहीं है। मैं कह रहा हूँ जियो गीता संस्थान की है सर, तो मैं नहीं बोल रहा था, मैं नहीं बोल रहा था। दूसरा, इन्होंने कहा कि ये 10 पुस्तकें हैं, तो उसका बिल मेरे पास है, आपके मोबाइल आपके वहां भी नजर नहीं आएगा। ये सहारनपुर है यूपी में, उत्तर प्रदेश से ये किताबें खरीदी गई है, ना कि कहीं है, इसका हरियाणा से संदर्भ है। उसका पक्का बिल मेरे पास है जो डिपार्टमेंट के पास गया हुआ है। अब ये पुस्तक क्या है? ये कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है। गीता को हम सब राष्ट्रीय पुस्तक मानते हैं और अनेकों देश से पर्यटन को महत्व देने के लिए, अगर ब्राजील तो सांबा करता है, आज अखबारों में फोटो है, अपना थाईलैंड अलग इशू करता है उसको लेने के लिए, US अलग करता है, इंग्लैंड अपनी आज तक की संस्कृति और जो उन्होंने साम्राज्यवादी नीति अपनाई थी उसको धरोहर बना के अपने यहाँ लोगों को बुलाता है, ऑस्ट्रेलिया अपने प्राकृतिक संसाधनों को दिखाते हैं। तो जो गीता है, जिसके कारण पूरे विश्व को जाना जाता है, कुरुक्षेत्र के कारण और गीता के कारण, इसमें 15 तो देशों के प्रतिनिधि आए थे और 42 उच्चायुक्त थे अलग अलग कंट्रियों के, जिसने गीता के महत्व को समझा और पर्यटन को, इसमें टोटल 4.5 करोड़ रुपए के आसपास खर्चा हुआ, जो दुष्यंत चौटाला जी कहते हैं। अब ये पुस्तक है जो गीता, उसका मैं बताता हूँ क्या है और इसके मूल्य ऐसे कैसे हैं। इसमें जो पेपर लगा है उसके ऊपर लिखित में वारंटी है कि ये 200 साल तक ये गलेगा नहीं। एक पुस्तक होने के नाते इसमें किसी तरह की उस तरह की इंक का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो इसमें फ्रूट्स को और पत्तियों को उसको लेकर जो इंक बनी, जो एक प्राकृतिक इंक है, उससे इसको लिखा गया है। 10 किलो इस पुस्तक का वजन है और 200 साल की गारंटी के साथ है, और ये हमने एज ए मोमेंटो दी है। मोमेंटो तो लोग 1-1 लाख रुपए का भी देते हैं, 2-2 लाख रुपए का भी देते हैं, और फिर क्या आईएनएलडी गीता पर प्रश्न खड़ा करेगी? जब मेवात का निर्माण होता है तब तो उसका ये ऐतिहासिक नाम रखना चाहते हैं, और आज ये गीता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि गीता की 37,500 रुपये कीमत क्यों है? तो मैं दुष्यंत जी को फिर निवेदन कहना चाहता हूँ कि सांसद है हमारे, उसके नाते उनका सम्मान है, पर मेरे छोटे भाई भी हैं, वो एक बार जाकर अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला में जाएं और वहां पूछे कि इस पुस्तक का कीमत 1 लाख रुपए क्यों और 1.5 लाख रुपए के, भ्रष्टाचार इसमें नहीं है। और मैं उनको खुला चैलेंज करता हूं कि जो 37,500 रुपए की क्वालिटी वाली गीता है वो उसको सस्ते में दिखाए तब हम मानेंगे। उसके बाद फिर रविंदर जी ने कहा कि कुछ जमीन अलॉटमेंट हुई और ये इतनी रुपए की हुई, सामाजिक और धार्मिक उसको देने के लिए जी, नहीं मैं इनका उत्तर भी देता हूं, नहीं तो ये लगेगा मैं प्रश्न से भाग गया, मैं वो भी उत्तर देता हूं जी। सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं को जमीन देने के लिए सरकार के नियम है, जिसके साथ चौटाला साहब की सरकार ने दी और हुड्डा साहब की सरकार ने दी। उसमें पहले रेट कम थे, अभी हमने कुछ महीने पहले उसके रेट बढ़ाए भी हैं, तो जिसका जिस समय जो रेट था उसका, और उसके अलावा इसका उत्तर मैं दूंगा, उसके अलावा अगर चौधरी देवीलाल जी के नाम पर INLD की सरकार में जमीन अलॉट हो सकती है तो हमने अपने लिए तो दिली नहीं,
हमने तो सामाजिक और जो राष्ट्रीय संस्कृति है जो भारत को जाना जाता है विश्व में, अब ये गीता पर और गीता की गतिविधियों पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं तो मैं एनएलडी को साधुवाद देना चाहता हूँ, परंतु भ्रष्टाचार प्रूव करे दुष्यंत चौटाला जी मैं जानना चाहूंगा। मैं इसका उत्तर दूं। जी 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 रविंद्र जी बोलिए। जी पहली बात तो ये गीता के ऊपर किसी ने प्रश्न नहीं उठाया, ये डेविएट करके जान करके धर्म के ऊपर लेकर के जाना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी फितरत है। हमने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को जो है आप इसको एक्सपेंडिचर को क्यों बढ़ाया जा रहा है। और दूसरी बात मैंने आपको ये भी बड़ा स्पष्ट किया, जवाहर जी को मैं लेकर के जाता हूँ, मैं आपको 5 किलो 6 किलो की जो वेट वाली गीता जो है, गीता मैं आपको गीता श्री भगवत गीता मैं आज से नहीं पिछले 30 साल से पढ़ रहा हूँ, जब मैं माइनर 5 साल का था तब से पढ़ रहा हूँ और लगभग आधे उसकी गीता के तो श्लोक मुझे वैसे भी याद है। तो इसलिए मुझे ये मत बताया कि धर्म क्या चीज़ होती है। दो, मैंने ये कहा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को आप किस जगह पर जाके कर रोकेंगे, क्या एक एक व्यक्ति अपने खुद के संस्थान को सस्ते रेट में जमीन अलॉट कर सकता है? घोटाला ये है, घोटाला दो। इन्होंने कहा पहले सस्ती थी अब हमने बढ़ाए हैं रेट, तो मैं आपको बता दूं 2012-2013 में इस्कॉन बहुत बड़ी इंटरनेशनल सोसाइटी है, मैं आपको बता दूं इस्कॉन सोसाइटी को कांग्रेस सरकार के दौरान जो है 40 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से जमीन अलॉट हुई थी। 2006 में इन्होंने रोक लगा दी, मेला ग्राउंड है कुरुक्षेत्रा में, कि यहाँ पर कोई भी जो है जमीन हम किसी को भी अलॉट नहीं करेंगे। उस मेला ग्राउंड की जमीन को इन्होंने 5 लाख में अलॉट किया अपने 2006 के रेजोल्यूशन को खारिज करके, वो भी एक ऐसे संस्थान को अलॉट किया जिस संस्थान के फाउंडर मेंबर वहां की खुद की एडीसी कुरुक्षेत्र थी। तो जिस तरह से गीता की पुस्तकों पर खरीद को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े किए गए हैं, उन सवालों पर हम चर्चा जारी है। हमारे लगातार जो हमारे खास मेहमान हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जवाहर यादव जी मैं आपके पास आऊंगी, जिस तरह से अब यहाँ पर गीता पर सवाल नहीं खड़े किए जा रहे, वहां पर गीता की पुस्तकों की खरीद को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि यहाँ पर अगर बात करें दुष्यंत चौटाला की तरफ से ये भी कहा गया है, उनकी तरफ से ये खुलासा यहाँ पर किया गया है, जो कि आपके जो पार्टी के दो सांसद हैं हेमा मालिनी और मनोज तिवारी, उनको भी परफॉर्मेंस के लिए आयोजन में यहाँ पर पेमेंट किया गया है। यहाँ पर हेमा मालिनी को 20 लाख रुपये तो वहीं मनोज तिवारी को 10 लाख रुपये, ये बात भी हमें समझ नहीं आ रही है। देखिए दोनों चीज़ों में अंतर है जी, एक कलाकार के नाते आना, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते आना। अगर कोई कलाकार किसी धार्मिक आयोजन में या सांस्कृतिक आयोजन में या किसी अन्य आयोजन में जाता है, उसके अलावा अगर वो अपना कोई पारितोष लेता है तो उसमें गलत नहीं है। हाँ, अगर उसमें वो केवल मंच पर आया और इस नाते आया है कि वो केवल सांसद की भूमिका में आया और कोई गेस्ट के नाते चला गया, और अगर वो उसका सहभागी प्रत्याशी होने के नाते, प्रतिभागी होने के नाते आया है, तो ये तो अच्छी बात है कि उसके ऊपर उसको अगर उसको पारितोष चाहिए तो देना ही चाहिए। हरियाणा सरकार ये क्यों किसी का एहसान ले कि कोई हमें ये कहे कि देखिए हमने आकर वहाँ निःशुल्क उनको सुविधा दे दी। हम ये गीता जयंती है, ये एक राष्ट्रीय धरोहर का विषय है, इसके ऊपर अगर कोई हमारे पैसे लेकर काम करना चाहते हैं और उसके आयोजन में उसका हक बनता है तो वो ले, कोई नहीं लेना चाहता नहीं ले। परंतु इसमें करप्शन क्या है? क्या हेमा मालिनी जी इससे पहले किसी भी कार्यक्रम के आयोजन में 20 लाख रुपए लेती थी या नहीं लेती थी? अगर ये है कि हेमा मालिनी जी ने आज तक केवल 2 लाख रुपए लेती रही है और पहली बार उनको जीवन में 20 लाख रुपए मिले हैं, तो मैं कहूंगा कि निश्चित रूप से गलत है, नहीं मिलने चाहिए। तो ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए कि देखिए जी हेमा मालिनी जी ने इससे पहले 2 लाख रुपए से ऊपर। हाँ, अगर ये है कि हेमा मालिनी जी 2-2 करोड़ रुपए लेती रही है और यहाँ 20 लाख में आई है, तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। मनोज तिवारी जी अगर इससे पहले 50-50 लाख रुपए 1-1 करोड़ रुपए लेते रहे हैं, अगर यहाँ वो आकर 10 लाख रुपए लेते हैं और यहाँ आकर पारितोष कम लेते हैं, तो मुझे लगता है दुष्यंत चौटाला जी को इस चीज की तारीफ करनी चाहिए। हर विषय पे हमें केवल आलोचना करनी ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक आप ही की पार्टी के नेता है, सवाल यहाँ पर इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि आपकी पार्टी के नेता होने के बावजूद वो कलाकारों के तौर पर अगर आप उनको पेश करते हैं तो सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। अब मैं देखिए ये दोनों कलाकार जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में बाद में आए, इससे पहले ये कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित और स्थापित कलाकार हैं और वो कोई भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं आए। मैं तो ये कहता हूँ आप उनको धन्यवाद करेंगे अगर हेमा मालिनी जी पहले कितना लेती रही हैं, अब कितना लिया है, या मनोज तिवारी जी पहले ऐसे आयोजनों में कितने पैसे लेते रहे और अब अगर हमने वो पैसे ज्यादा दिए हैं तो निश्चित रूप से हम अपनी गलती मानेंगे।
अगर उनके पहले से जो मूल्य था वो ज्यादातर यहाँ कम लिया, तो मुझे लगता है कि दुष्यंत जी को एक सांसद होने के नाते ट्वीट करके दोनों को धन्यवाद जरूर कर देना चाहिए। आपने कहा कि गीता का रेट है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, खुले उसमें कह रहा हूँ, जो इस गीता की क्वालिटी है जिसमें किसी भी पुस्तक में, अभी रविंद्र ढुल जी ने भी कहा कि गीता इनके जीवन का हिस्सा है, देखिए अच्छी बात है ये गीता पढ़ते हैं, मुझे इतना अध्ययन नहीं है गीता का, परंतु कोई पुस्तक जिसकी ये गारंटी हो कि 200 साल तक वो गलेगी नहीं, उसमें सोने के पानी का इस्तेमाल है कई जगह, उसमें फूटकर पत्तियों का सम्मिश्रण से उसको कलर से उसको दिया गया है, अगर ऐसी पुस्तक ये कम रेट में लेकर आते हैं, मैं केवल धार्मिक पुस्तक की बात नहीं कर रहा, कोई भी पुस्तक लिया है जो उसमें मापदंड है कि इस मापदंड पे ये इसकी क्वालिटी है, पेपर की, बिल्कुल इस पर भी आएंगे जवाब यादव जी, लेकिन जैसे कि आप कलाकारों की, बिल्कुल कलाकारों की आप बात कर रहे हैं, तो कलाकार तो और भी थे, आपने अपने पार्टी के ही नेताओं को क्यों बुलाया, कोई और भी कलाकार यहाँ पर पहुंच सकते थे, तो सवाल तो खड़े होंगे। अब अगर आप हेमा मालिनी जी का कद इतना छोटा कर देंगे कि इससे बड़े कलाकार थे और हमने द्वम दर्जे का कलाकार बुला लिया, या मनोज तिवारी का कद आप इस रूप में करेंगे, तो मैं आपके चैनल पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। देखिए मैं थोड़ा सा इसका उत्तर दे दूं इनके जवाहर जी की बात का जी। इन्होंने बताया कि मनोज तिवारी जी की बात बताई, और मैं आपको बता दूं मनोज तिवारी जी वाला 10 लाख तो केवल एडवांस है, फाइनल पेमेंट की अभी पूरी लिस्ट नहीं आई है, ये अभी आरटीआई पूरी नहीं आई है, इनकम्प्लीट है। दूसरी चीज़ ये मैं आपको बता दूं कि ये धर्म के प्रति भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रतिबद्धता दिखाती है, गीता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाती है, वहीं इनके सांसद जो है एक दिन की परफॉर्मेंस के लिए 20-20 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए ले जाएं, ये कतई भी मेरे को हजम नहीं होती है। उनको कलाकार के रूप में, प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में उनका पूरा सम्मान है, हेमा मालिनी जी का तो पूरा सम्मान, आज से नहीं 35-40 साल से वो बहुत बड़ी कलाकार है, लेकिन मैं नहीं मानता कि मनोज तिवारी जी के 10-10 लाख रुपए की कोई परफॉर्मेंस के शो हिंदुस्तान में इतने कोई खास बड़े लंबे चौड़े हुए होंगे। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, ये मूवेबल आइटम्स की परचेज का और है, आपको मैं बता दूँ 5 करोड़ रुपया तो केवल इन्होंने एक टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए दिया है, 5 करोड़ टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर, आप समझ रहे हैं इस बात को, जिस स्ट्रक्चर को ये गीता समारोह के बाद में डिसमेंटल कर दिया गया, इतने में तो एक पूरा का पूरा वहाँ पे हॉल खड़ा करके कार्य किया जा सकता था। किस प्रकार सरकारी पैसे की, जनता के पैसे की जिस प्रकार दुरुपयोग किया गया, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप जो है आपके जितने भी इन्वाइटीज हैं उनको आप गीता प्रेजेंट कीजिए, आप क्यों नहीं गीता प्रेस गोरखपुर की प्रेजेंट करते, जिसका केस भारतीय जनता पार्टी पिछले 20-25 साल से उठाती रही है कि गीता प्रेस गोरखपुर मर रही है, हम लोगों को उनकी सहायता करनी चाहिए। यदि वो 5 रुपये के अंदर गीता आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या आप उपहार की कीमत भी लगाएंगे या गीता की कीमत लगाएंगे कि 37,000 रुपए की गीता में भी वही संदेश दे रहे हैं आप जो 5 रुपए की गीता में दे रहे हैं, संदेश ना तो बटेगा ना कुछ और होगा, ना ही किसी व्यक्ति को इससे कोई लेना देना है कि 200 साल तक जीवन मेरा भी नहीं है, जवाहर जी का भी नहीं है, और उस व्यक्ति का भी नहीं है जिसको ये गिफ्ट की गई है, लेकिन गीता का संदेश यदि आप उसको देना चाहते थे ऐसा कोई भी कारण नहीं है। और मैं आपको बता दूं जवाहर जी को आपके रेफरेंस के माध्यम से मैं बता दूं कि आज के दिन में पुस्तकों की जो वर्तमान में भी जितनी पुस्तकें आती हैं 100-200 साल तक ये वैसे भी नहीं जाती, बिना गारंटी के भी नहीं जाती 100-150 साल। आप अपने पुस्तकालय पंजाब विश्वविद्यालय का पुस्तकालय देख जा करके देखिए, 400 साल पुरानी पुस्तकें वहां पे आपको रखी मिल जाएंगी, तो इसकी कीमत जो है गिलना ना गिलना मायने नहीं रखती ये बात। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, ये संदेश के रूप में नहीं, ये मोमेंटो के रूप में दी गई थी, मोमेंटो के रूप में दी गई थी, और भारत के राष्ट्रपति को मिलती है, प्रदेश के मुख्यमंत्री को मिलती है, मानुषु छिल्लर को मिलती है, ये मोहन भागवत जी को मिलती है, उमा भारती जी को मिलती है, 7 पुस्तकें दी गई, 3 पुस्तकें अभी भी ये राजभवन में है। अगर ये इस स्तर के व्यक्ति को मिलती है, ऐसा नहीं है कि मुझे और मुख्यमंत्रियों का तो पता नहीं, हमारे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं ये तो इनके पास जो भी उपहार आते हैं वो भी राजभवन भेज देते हैं, ये राष्ट्रीय धरोहर है, व्यक्ति रहे ना रहे ये पुस्तकें काम आती है। आज संग्रहालय में हम क्यों पुस्तकें रखते हैं, वो मूर्तियां क्यों रखते हैं जो टूटी हुई है, हम बताते हैं कि जब कभी 100 साल बाद 50 साल बाद हरियाणा के गीता जयंती उत्सव का विषय आएगा तो बताया जाएगा, देखिए 150 साल पुरानी पुस्तक उस समय जो भेंट स्वरूप देश के राष्ट्रपति को दी गई थी, आज वो राष्ट्रपति भवन में है। जब आप राष्ट्रपति भवन का भ्रमण करेंगे, मेरा भी कुछ दिनों पहले शिमला राजभवन में जाना हुआ गवर्नर साहब के पास,
तो वहाँ दिखाया गया कि ये वो चेयर है जहाँ इंदिरा गांधी जी में और जब अली भुट्टो में जो उनका वो था उनके हस्ताक्षर हुए तो उस कुर्सी को संभाल के रखा हुआ है। ऐसी अनेकों फोटोएं लगी हुई है कि ये, और उसके अलावा कुछ उपहार ऐसे थे कि ये इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को दिए गए, वो वहाँ रखे हुए थे। तो जब आप जाते हो तो उसकी आप उपयोगिता बताते हो, ना कि उस पुस्तक को लेकर कोई चला। आप क्यों नहीं चाहते कि कुरुक्षेत्र और गीता इसको धरोहर के रूप में रखा जाए, पहचाना जाए कि हरियाणा में ऐसी सरकारें थीं जो इस देश के राष्ट्रीय गौरव को सम्मान करती थी और उसके प्रतीक के चिन्ह के रूप में। यह दूसरा, इसमें इस पूरे कार्यक्रम में 40 लाख से अधिक लोगों का सहभाग हुआ, क्या वो ऐसे ही हो गया? और जहाँ तक गीता गोरखपुर प्रेस की बात कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ इस क्वालिटी के साथ आप कोई भी पुस्तक लाइए, मैं इस पे कोई बहस नहीं करने को है। मैं आपको मान लेता हूँ कि आप ठीक कह रहे होंगे, मुझे आप गलत सिद्ध कीजिए। और आपके यहाँ चैनलों में तो मैं और रविंदर जी मिलते रहते हैं, ये लाए देखिए, जो इस पुस्तक की क्वालिटी है, इसके क्वालिटी की किताबें मैं आधे रेट में लेके आ गया, 25% कम रेट में लेके आ गया। और देखो जवाहर, ये पैसा बचाया जा सकता था और आप नहीं बचा पाए। अब थोड़ा और एक चीज मैं बता दूं, गीता धरोहर जो है अनादि धरोहर है गीता। यदि मैं ऐतिहासिक रूप से भी देखूं, 5000-6000 साल से गीता आज भी जो है पूरे विश्व में ग्रंथ के रूप में मानी जाती है, जानी जाती है। गीता एक पर्टिकुलर पब्लिशर से लेकर के उसको 38000 रुपए में खरीद करके ना तो आप गीता की धरोहर को सेव कर सकते हैं और ना ही आप अगर 100 रुपए की गीता वहां पर देते हैं, 5 रुपए की गीता देते तो उसकी गीता की धरोहर समाप्त हो जाती। आपको संदेश उस व्यक्ति विशेष को देना है, आप उसको दे सकते हैं, ना तो एक गीता समाप्त होने वाली है ना ही हिंदुस्तान का धर्म समाप्त होने वाला है। आप कृपया धर्म और इसको जो है इसको बेच करके जो है इसका सेल परचेज हाई वैल्यू गीता का कोई मतलब नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि जो 5000-6000 साल पुराना अनादि ग्रंथ गीता जो है, उस अनादि ग्रंथ 5 रुपए के अंदर यदि गीता प्रेस गोरखपुर देता है, वो वही संदेश देता है जो कि 38000 रुपए में इन्होंने खरीद करके मुफ्त में आगे जाकर के बांटी है। और 600-600 रुपए की जो गीता संस्थान अंबाला वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ जियो गीता, 600-600 रुपए में इन्होंने खरीद करके वो जो गीता जो इनके डिग्निटीज जो 40 से 45 आए हैं उनको जो बैग बना करके दिए, मैं तो उसके भी विरोध में हूँ। आप वहां से एक पर्टिकुलर आप, मैं फिर कह रहा हूँ कि कुरुक्षेत्र की डीसी जो है फाउंडर मेंबर जिस ट्रस्ट की है, उस ट्रस्ट की पुस्तक प्रिंट होकर के कुरुक्षेत्र की डीसी उस टेंडर को कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड अलॉट करके और उसके 600-600 रुपए की गीता खरीद करके मुफ्त में बांट रहा है। इन्होंने गीता को बेचा है, कोई मानिए ना मानिए। उत्तर देना क्या कहेंगे जवाहर यादव जी, क्योंकि यहाँ पर सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर खरीदी गई है और पुस्तकों को और अब सुमेधा कटारिया वाली बात से बार बार बच रहे हैं, घुमा रहे हैं, बात करते हैं और अब क्वालिटी की बात बार बार घुमा रहे हैं। गीता जियो गीता ट्रस्ट की फाउंडर मेंबर है, मेरे पास में कागज है जी। क्या लगता है कि वाकई आपको इस खर्चे की जरूरत थी, इस कदम की जरूरत थी जवाहर यादव जी? मैं कहता हूँ ये एक बार नहीं, ऐसा करना पड़ा 10 बार करेंगे, मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ। दूसरा, ये स्वाभाविकता है कि INLD के व्यक्ति ये कह सकते हैं कि गीता को बेचा गया और ये कहते हैं किसी लाभ प्रतिष्ठान को दे गया। तो हमने किसी पब्लिशर से ये पुस्तक नहीं खरीदी, मेरे पास उसका बिल है, तन्वी स्टेशनरी है, वहां से ये पुस्तक आई है। दूसरा, आपको क्या दिक्कत है अगर कोई गीता, जब हमारा कोई व्यक्ति 100 साल बाद राष्ट्रपति भवन में जाएगा और उसमें हरियाणा का नाम आएगा तो आपको हरियाणा से क्या दिक्कत है? आपको कुरुक्षेत्र से क्या दिक्कत है? जब हरियाणा नहीं था तब से गीता है, अपनी बात कर, जब हरियाणा नहीं था तब से गीता है, समाप्त नहीं हुई है वो, बीच में नहीं आया। आप, मैं कहता हूँ मैं इनका स्वागत करूंगा, मेरे विरोधी की पार्टी का हम स्वागत करते हैं अगर वो कोई चीज अपनी तथ्यों के साथ कहते हैं। और मैं मानता हूँ कि इनसे ये अपेक्षा रखूंगा कि ये गदा लेते होंगे अभी अपने राजनीतिक पार्टी में, सरकार में, तो कब आएंगे नहीं आएंगे, तो भविष्य के गर्त में है, तो ये तय कर देंगे कि हमारा कार्यकर्ता को आज एक तो ये रेजुलेशन निकाल देंगे जाकर कि भाई पैसा खर्च करना तो सभी के लिए होता है, अगर वो दुरुपयोग है तो अपने किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता से मंचों पर जो ये गदा लेते हैं, गदा नहीं लेंगे, वो तो प्रतीक का चिन्ह है, प्लास्टिक की गदा लेंगे। ये जो चांदी के मुकुट पहनते हैं कहते हैं वो नहीं पहनेंगे, हमें प्लास्टिक की बचा दीजिए, खर्चा खर्चा होता है, चाहे कार्यकर्ता करे चाहे सरकार करे। दूसरा, हाँ, गलत हम तब होते हैं जब जो रेट में, अगर उसी रेट में उसी क्वालिटी की पुस्तक ये लेकर आते, परंतु इनको पच नहीं रहा कि जब कोई हरियाणा का व्यक्ति राष्ट्रपति भवन में जाएगा, राजभवन में जाएगा और वो कहेगा अरे ये पुस्तक 150 साल पुरानी है
और यूं की तो है ये गीता है, वो गीता ये नहीं कि उस गीता को ठीक है निश्चित रूप से उसके अगर सभी के सभी अध्याय हो तो 100-200 रुपए की पुस्तक आ सकती है, मैं मान लेता हूँ, परंतु केवल उस रूप में नहीं है। हमारे यहाँ अनेकों इन्होंने ऐसी ऐसी बाइबल छपी है जिसका रेट करोड़ों रुपए है, करोड़ों रुपए ये रिकॉर्ड, तो आप करोड़ों रुपए का खरीद करके देंगे जनता को? अरे उनकी आलोचना कर लेते, परंतु जब गीता का जिक्र आता है तो हरियाणा के कुछ राजनेताओं की दिक्कत स्वाभाविकता से होती है जी, वो चाहते नहीं, ये चाहते थे कि हरियाणा को फिर धर्म के ऊपर लेके जाएंगे, मैं कह रहा हूँ ना फिर धर्म के ऊपर लेके जाएंगे, इनको और कुछ आता ही नहीं है, जाना जाए कि यहाँ बेटियों की गर्भ में हत्या होती है, इससे ऊपर निकालना नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि हरियाणा को केवल इसलिए जाए कि दो प्रेमी 38,000 करते हैं तो उनको मार दिया जाए, ये चाहते ही नहीं कि हरियाणा गौरव के रूप में जाना चाहे, जब जब हरियाणा के गौरव की बात होगी, 5 करोड़ वाले स्ट्रक्चर का जवाब भी नहीं दिया इन्होंने, नहीं हुई है, क्या अगला कदम आपका होगा इस पर? इसके अंदर कंप्लेंट फाइल करेंगे हम, लोकायुक्त तक जाएंगे, हाईकोर्ट तक जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, मैं बार बार ये इस बात से बचा रहे हैं, मैंने इनको रेफरेंस दिए कि आप इस कौन को 38 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से जमीन अलॉट करते हो और आप अपने अपने फेवरेट उसको संस्थान को और उसको 5 लाख रुपए में अलॉट करते हैं, जबकि 38 लाख रुपए वाली उससे 3 साल प्रायर है, आपने खुद रेजोल्यूशन निकाला हुआ है, मैंने बताया कि जियो गीता संस्थान से 600-600 रुपए में आपने गीता ली, आपने जियो गीता संस्थान से ही क्यों ली और आपने उसी जियो गीता संस्थान को ही क्यों वो जमीन दी, आपने इसका उत्तर नहीं दिया, आपने इसका भी उत्तर नहीं दिया कि क्या कुरुक्षेत्रा की वर्तमान डीसी उस जियो गीता संस्थान की फाउंडर मेंबर है और क्या आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे, आपने इसका भी उत्तर नहीं दिया, आपने इसका भी उत्तर नहीं दिया। मैंने कहा 5 करोड़ रुपए का टेम्परेरी स्ट्रक्चर आपने वहां पे खड़ा कर दिया, क्या 5 करोड़ रुपए में वहां पर परमानेंट बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते थे, आपने इसका भी उत्तर नहीं दिया, तो उत्तर इनके पास में कोई नहीं है, ये जाकर के यही कह देंगे कि गीता से हमें दिक्कत है, हमें गीता से कब दिक्कत थी, स्ट्रक्चर है उस पर भी आपकी तरफ से 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे क्योंकि जवाबदेही आपकी आपकी तरफ से आयोजन किया गया है और अब सीधे तौर पर जिस तरह सवाल किया जा रहा है क्या कहेंगे इसको आप? ले लीजिए उत्तर, ले लीजिए, दिक्कत पैसे का नहीं है जी, दिक्कत है कि गीता से दिक्कत है, मैं बता रहा हूँ ना इनको दिक्कत इसी बात से है, गंभीर आरोप लगाया मैंने सुना जी, इनको 37,500 रुपए वाली गीता से भी दिक्कत है, इनको 600 रुपए वाली भी गीता से दिक्कत है, तो इसलिए गीता का रेट का विषय नहीं है, 37,500 पे भी आपत्ति है, 600 पे भी आपत्ति है, तो दिक्कत गीता से है, इसलिए रेट का तो दिमाग से लोग निकाल दे, नंबर एक। दूसरा, इन्होंने कहा कि 5 करोड़ रुपए में स्ट्रक्चर लगा और उतने में स्ट्रक्चर तो वहां पूरा का पूरा भवन निर्माण हो जाता, मैं फिर अपने मित्र से आग्रह करूंगा, 5 करोड़ रुपए में जितने उस एरिया को कवर किया गया, ये उसी सुविधा के साथ उसका परमानेंट स्ट्रक्चर 10 करोड़ रुपए में भी खर्च कर देंगे, बनाकर दे देंगे तो हम इनका स्वागत करेंगे, इसलिए केवल आलोचना करने के लिए आलोचना करना और अलॉटमेंट ना करना, चलो आपकी बात मानिए, अलॉटमेंट के ऊपर भी बता दीजिए प्लीज, 37,500 की गीता अलॉटमेंट के ऊपर और बता दीजिए, 600 रुपए की गीता की उसकी भी आलोचना होनी है और कुछ गीता 10-20 रुपए में बिकी हो, और घोटाले की चर्चा नहीं होगी, धर्म की चर्चा होगी, क्या है कि गीता क्यों बांटी गई, गीता उत्सव क्यों मनाया गया, कारण ये जियो गीता को क्यों बेनिफिट दिया गया, ये बताएंगे आपको, केवल जियो गीता संस्थान को क्यों बेनिफिट दिया गया ये क्यों नहीं बता रहे हैं, ये बिल्कुल समय की जियो गीता संस्थान को क्यों बेनिफिट दिया ये क्यों नहीं बता रहे हैं, आज तक हरियाणा को डंडे के जोर पे चलाया जाता था, वैसा हरियाणा क्यों नहीं चल रहा, समय की कमी में रवि जी आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे अगला कदम यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर मानने को तैयार नहीं है जवाहर यादव, स्पष्ट रूप से मैं आपको बता रहा हूं कि माननीय कोर्ट के अंदर लेकर के जाएंगे इस घोटाले को, इनकी जवाबदेही तय करेंगे, बार बार जियो गीता संस्थान की सारे के सारे घोटाले से बचते हुए स्पष्ट रूप से हरियाणा की जनता ने देखा है, मैंने बार बार पूछा इसी संस्थान को क्यों बेनिफिट दिया गया, जबकि मैंने प्रूफ मैं रेफरेंस से बता रहा हूं कि इस संस्थान के फाउंडर मेंबर है वर्तमान के कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबर, तो कैसी बात कर रहे हैं, जब घोटाला आपके सामने है आप उसके ऊपर जवाब नहीं देंगे तो उस बाकी के कुछ भी बोलते रहेंगे, मामला हम कोर्ट में लेकर के जाएंगे, मैं स्पष्ट रूप से आश्वस्त कर रहा हूं आपको, 10 सेकंड मुझे दे, चलिए बिल्कुल आप कुछ कहना चाह रहे जवाहर यादव जी, कहिए 10 सेकंड जी,
हाँ दस देखिए भ्रष्टाचार के मामले में INLD का कितना ज़्यादा अध्ययन होता है, मैं विधानसभा का एक उदाहरण देता हूँ, वर्तमान विधानसभा का। उसमें अभय चौटाला जी बड़ा कहते रहे धान घोटाला हुआ। आप वो मुद्दा वो नहीं है धान घोटाला, केवल मुद्दा है जियो गीता घोटाला। मजबूरी है, सत्ता से बाहर है 15 साल। देखिए मुद्दा डाइवर्ट मत कीजिए, मैं उसे भी उत्तर दे सकता हूँ आपको। कुछ नहीं तो कुछ, डिबेट खत्म हो रही है, ये कमेंट में नहीं देने दूंगा आपको। धन्यवाद जी, थैंक यू, शुक्रिया आप दोनों का। अब जिस तरह से यहाँ पर आरोप सरकार पर लग रहे हैं, जवाहर यादव हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि कोई फिजूल खर्ची नहीं हुई है। अब यहाँ पर रविंद्र डूल जो कि नेलो नेता है, उनकी तरफ से कहा गया है कि अगला कदम अब यहाँ पर केस दर्ज किया जाएगा, जवाबदेही यहाँ पर जरूर सरकार की बनती है और सरकार को देना होगा कि आखिर ये फिजूल खर्ची क्यों हुई। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही, आप बने रहिए M1 News के साथ। नमस्कार।